बहुत बड़ी, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत पार्किंग आपके लिए तैयार करी गई है। देखिए जब हम स्टेप ऐसे ऊपर रखेंगे तो सेंसर वाली लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखो ये देखो, यहाँ पर सेंसर वाली लाइट्स आपको फैमिली मिल जाती है। यहाँ पर आप ऐसे आपके बच्चे और आप लोग भी यहाँ पर फुल एंजॉय कर सकते हो। कहने का मतलब ये देख रहे हो फैमिली, ये देख रहे हो मज़ा, ये मज़ा ये एंजॉयमेंट जो है फैमिली आपको कहीं नहीं मिलने वाला, नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड में मिलेगा। यहाँ पर आप अपना जो है वो वेट भी लूज कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो अपनी छड़ी के साथ। मैं तो अपनी छड़ी के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। ओए होए 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 फैमिली ग्रीन घास लगा दी है, छत पर पूरा गार्डन बना दिया। कहने का मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया, फैमिली ग्रीन घास के साथ गार्डन गार्डन हो गया। अब आपको फैमिली दिखाऊंगा 3 BHK का हमारा ये आलीशान फ्लैट, जबरदस्त वाला। हेलो दोस्तों, फैमिली नीव नमस्कार। मैं जगदीप सिंह चौहान और मेरी कंपनी का नाम नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ फैमिली, हिंदुस्तान में पहली बार आपके लिए एक ऐसा फ्लैट लेकर आया हूँ जो मॉर्निंग के ऊपर, जिसकी वीडियो बनेगी मॉर्निंग में ठीक सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में। तो फैमिली आज एक ही ऐसा फ्लैट है जो मैं आपको दिखाऊँगा। इस फ्लैट को आप खरीदना चाहे मत खरीदना, मगर मेरे इस फ्लैट की वीडियो आप ज़रूर पूरी देखना। मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस फ्लैट को देखने के अंदर। बहुत शानदार हमारा ये 3 BHK का दिल्ली के अंदर उत्तम नगर के अंदर हमारा ये फ्लैट है। इसमें 2 BHK का भी ऑप्शन मिलेगा जो सेमी फर्निश्ड और फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट होगा, जिसके अंदर एक बहुत ही आलीशान रूफ जो है वो तैयार करी गई है, जिसका अभी आपको व्यू दिख रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी आपको इसका पूरा जो व्यू है वो भी दिखाऊँगा। और एक बहुत ही ज़बरदस्त पार्किंग जो है वो तैयार करी गई है आपके लिए। अब आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर इसका जो छत है जो इसकी वो अगर एक आलीशान है और अगर इसकी पार्किंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्लैट भी बहुत ही बेहतरीन आपको मिलने वाला है। सो फैमिली चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इस 3 BHK फ्लैट की दिल्ली के अंदर उत्तम नगर के अंदर गाड़ी पार्किंग और लिफ्ट फैसिलिटी के साथ आपको ये मिलने वाला है, जहाँ पर आपको लोन भी मिलना है और मेट्रो से मात्र 400-500 मीटर की दूरी पर आपको हमारी ये प्रॉपर्टी मिलनी है। सो फैमिली वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। तो शुरुआत करते हैं, बुद्धा जी हमारे साथ में हैं, बुद्धा जी का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आपको फ्लैट दिखाने के लिए। हवा बहुत ताज़ी चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। सो फैमिली देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है, क्या बहुत बढ़िया व्यू है। देखिए ये आपकी छत है, सबसे पहले मैं आपको आपकी छत दिखा रहा हूँ, जिसमें आप रहने वाले हो, जिस फ्लैट में आप रहने वाले हो ये उसकी छत है, जिसमें आपको एंजॉय करने का एक अच्छा खासा एक एंजॉयमेंट मोमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा हमेशा के लिए। लाइफ मेमोरी आपकी रहने वाली है कि अक्सर दिल्ली के अंदर या फ्लैटों के अंदर क्या होता है कि रूफ राइट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि मजबूरी ये रहती है कि भैया फ्लैट जो है मिल तो जाता है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि रूफ का राइट नहीं मिलता, वो सिर्फ एक टॉप फ्लोर वालों को ही मिलता है कि टॉप फ्लोर लेंगे और टॉप फ्लोर वालों को छत मिलेगी। मगर फैमिली यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप हमारे से कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई भी फ्लैट परचेस करते हैं, सब पर आपको जो है वो यहाँ पर छत का जो है वो राइट मिलने वाला है, रूफ का राइट जो है यहाँ मिलने वाला है। फैमिली ये वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, रिक्वेस्ट आपसे बस यही है कि मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, समझना कि क्या क्या फैसिलिटी आपको हमारे इस फ्लैट के अंदर मिल रही है। क्योंकि आप देखते हो कि सब लोग प्रॉपर्टी में फ्लैट में पूरी ताकत लगा देते हैं, फ्लैट बहुत जानदार बना देते हैं, मगर बेसिक जो नीड्स है वो पूरी कई बार नहीं हो पाती है। मगर यहाँ पर फैमिली आपको बेसिक नीड पूरी करूँगा आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो पूरा जो एक एरिया आपने देखा, ये सारा का सारा हमारा रूफ यहाँ पर आपको मिल रही है। सो फैमिली इस रूफ़ को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रूफ़ को मैं दिखाते दिखाते आपको सनराइज़ का व्यू भी यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त। अभी सनराइज़ भी होगा, लोग गोवा में जाकर जो है वो सनराइज़ की जो है वो फीलिंग लेते हैं, पर आपको आपकी छत पर ही सनराइज़ का व्यू यहाँ पर मैं करवाऊँगा, बहुत बेहतरीन नज़ारा होने वाला है। एक अलग ही आनंद है जब आप अपनी छत पर आओगे मॉर्निंग के अंदर, और जब आप अपनी इस तरह की ये जो आपकी छत है यहाँ पर आकर जब यहाँ पर आप खड़े होगे इस एरिया पर, जब ये एक अलग व्यू होगा इस तरीके से, जब आप ऐसे खड़े होगे एक अलग ही आपको फैमिली जो है वो नज़ारा मिलने वाला है। कहने का मतलब आप देखते होगे बड़ी बड़ी, जब हम अपना आउट ऑफ इंडिया जाते हैं या अपना आउट ऑफ दिल्ली भी जाते हैं, कहीं बाहर ऐसी जगह ऐसी डेस्टिनेशन पर जाते हैं जहाँ पर वादियाँ वगैरह होती हैं और उस पर पहाड़ वगैरह होते हैं,
तो वहाँ पर हम लोग इस टाइप की फोटोज वगैरह जो है वो क्लिक करवाते हैं ऐसे खड़े होकर या अलग अलग स्टाइल में इस तरीके से। सेम फीलिंग फैमिली आपको वो आपकी इस छत पर मिलने वाली है। बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इस घर को खरीदने के बाद। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस घर को ज़रूर परचेज करना। जब आप इस प्रॉपर्टी को लोगे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। तो चलिए रूफ से शुरुआत करते हैं, जो मैं फैमिली दिखा रहा था। ये जो आपकी छत है, इस छत पर सबसे पहले आपको डाइनिंग टेबल यहाँ मिल जाता है, आप देख रहे हो। और ऐसे डाइनिंग टेबल एक नहीं है, कोई पार्टी करनी है, फंक्शन करना है, आप इस छत पर बैठकर एंजॉय कर सकते हो। यहाँ चेयर्स लग जानी है, चेयर्स लग जाएंगी ऐसी। इसी प्रकार से एक डाइनिंग टेबल फैमिली यहाँ मिल रहा है और दूसरा डाइनिंग टेबल आपको यहाँ पर मिल जाता है आप ही के पास में ही। मैं आपको घूम घूम के छत दिखा रहा हूँ और खुली छत दिखा रहा हूँ। एक डाइनिंग टेबल आपको यहाँ मिलता है। सो फैमिली, मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपके इस जो ये लोकेशन है, इस जगह को मैं डाइनिंग टेबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे फ्लैट के अंदर जो फीलिंग आपको मिलती है डाइनिंग टेबल की, सेम वही फीलिंग आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है। यहाँ पर आप अपनी चेयर्स वगैरह लगा कर इंजॉय कर सकते हो। एक डाइनिंग टेबल आपको यहाँ पर भी फैमिली मिल जाता है, आप देखिए यहाँ पर भी आपके लिए सिटिंग हो जाती है। सो फैमिली, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको छत पे, अगर मैं बात करूँ एक दूसरी बात की, तो वो है एक हमारा ये झूला, जिस झूले के साथ आप इस छत के ऊपर अपने बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर सकते हो, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ खूब बढ़िया इंजॉय जो कर सकते हो, झूला झूल सकते हो। फैमिली सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि आप इस झूले के ऊपर बैठे हुए हो और यहाँ पर तेज बारिश हो रही है, जबरदस्त वाली, बढ़िया वाली जबरदस्त बारिश। सोचो क्या मजा आने वाला है, पकौड़े खा रहे होगे, यहाँ पर चाय बनी होगी और छत पर आकर आप इंजॉय कर रहे होगे। ये एक फीलिंग दी है फैमिली यहाँ पर आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर ही साथ में आप देख रहे हैं बुद्धा जी हैं, बुद्धा जी के साथ में यहाँ पर हमने कितना बढ़िया एक स्पेस जो है वो तैयार करा है। यहाँ पे आप फोटो सेशन भी कर सकते हो और मतलब एक अलग ही शांति मिलनी है यहाँ पर। यहाँ पे पानी की आवाज़ आ रही है, मध्यम आवाज़ है, बहुत भीनी भीनी आवाज़ आ रही है पानी के चलते हुए। अगर आप इसको फील करना चाहते हो तो मैं फील भी आपको करा देता हूँ, देखिए क्या साउंड है। और ये फीलिंग आपको फैमिली यहाँ पर मिलनी है। मॉर्निंग के टाइम पर बहुत मज़ा आएगा, इवनिंग के टाइम पर भी आप जब यहाँ पर आसपास में बैठेंगे बुद्धा जी के, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप चाहे तो यहाँ पर बैठकर किसी को भी याद कर सकते हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनको याद कर सकते हैं। बहुत शांति मिलने वाली है आपको इस छत के ऊपर मॉर्निंग में आकर। आप यहाँ पर योगा करना चाहें, योगा कर सकते हैं इस पूरी छत के ऊपर। पूरी जितनी सोसाइटी के जितने लोग हैं वो इस छत पर आकर योगा कर सकते हैं और यहाँ पर एक जो शांति की जो है वो प्राप्ति आपको होगी, बहुत अच्छा लगेगा हमेशा। ये आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कहते हैं कि अगर छत है ना, तो छत एक नियामत होती है। उससे क्या है कि आपकी जो ज़िंदगी है, अगर मान लीजिए उम्र जो है वो आपकी अगर मान लो 60 साल की है, तो वो ऑटोमेटिक 10 साल की हो जाएगी। अगर आपके पास अपनी छत है, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, ये सब फ़ायदे आपको मिलते हैं, जिसकी सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो फैमिली, अभी मैंने आपको रूफ दिखाई पूरी आपके लिए, एक चीज़ और आपको मैं फैमिली दिखाना भूल गया। एक आपकी सिटिंग एरिया भी आपको फैमिली यहाँ पर मिलता है, वैसे भी अलग से भी। चेयर्स तो आप लगा ही रहे हो, यहाँ पर भी आपको एक सिटिंग एरिया यहाँ पे बना के तैयार करा गया है। यहाँ पर भी 2 से 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इस साइड भी दिया यही मोमेंट और इस साइड भी आपको यही चीज़ आपको मिल रही है। बढ़िया हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मॉर्निंग के टाइम पर, और अभी सनराइज़ भी होने वाला है। फैमिली मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेहनत कर रहा हूँ फैमिली, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो भी शेयर करना और आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अब फैमिली मैं आपको ये एरिया दिखाता हूँ, ये है एंजॉयमेंट, बहुत बढ़िया। यहाँ से जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो ये पूरी एक गैलरी अलग से आपके लिए तैयार करी गई है। ये बहुत बढ़िया गैलरी आपके लिए तैयार करी गई है, जहाँ पर आपके लिए आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स आपको लगा कर दिए गए हैं, लाइटिंग कर दी गई है। यहाँ पर नाइट व्यू बहुत ज़बरदस्त फैमिली है यहाँ पर, मतलब आप हमेशा पार्टी के मूड में रहने वाले हैं, चाहे बर्थडे की पार्टी हो, चाहे कोई भी खुशी की पार्टी हो, जब आप उसका मज़ा लेंगे यहाँ पे बहुत शानदार इंजॉय करोगे आप। एक आपके लिए मैंने यहाँ पर फैमिली आप देख रहे हो एक बार जो है वो तैयार कराया आपके लिए, बार एरिया। जैसे छोटी मोटी पार्टी करते हैं घर पे, कभी कोई आ जाता है आपको लगता है कि यार चलो उनको बाहर नहीं लेके जाना, तो चलो यहीं करते हैं, छोटा सा मिनी बार आपके लिए तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। आप यहाँ पे पार्टी फंक्शन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ। तो यहाँ पर सामने आप अपना सामान सजा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, चाहे वो पेप्सी रखो, चाहे आप कुछ भी रखो, यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो और एक बार का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हो। लाइटिंग वर्क आपके लिए तैयार करा गया है, बढ़िया मस्त लाइटिंग आपके लिए तैयार करी गई यहाँ पर, तो मतलब बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ सेटिंग करके इस टाइप से आप यहाँ पे बैठ के एक अलग ही एक समझ लीजिए कि एक अलग ही लुक, एक अलग ही फीलिंग ले सकते हो। ये फ़ायदा फैमिली आपको यहाँ पे छत पे मिलने वाला है। तो देखिए कितनी चीज़ें मैं आपको गिनवा रहा हूँ, एक फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटी है। बात करूँगा फैमिली, शुरुआत करते हैं हम थोड़ा इस एरिए की। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, अभी तक आपने छत तो देखी पूरी बेहतरीन तरीके से, अब आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, ये अलग से क्या बना हुआ है,
ये भी आपको दिखाता हूँ। पहले आपको दिखाता हूँ बच्चों के लिए यहाँ पर जंपिंग पॉइंट बनाया है हमने इंजॉय करने के लिए, और इसको सिर्फ बच्चे इंजॉय नहीं कर सकते, इसको बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा फीलिंग कराता हूँ कि कैसा मजा आने वाला है आपको छत पे। एक बार मैं जरा इसके अंदर घुस के आपको बताता हूँ और बहुत ही आनंद आएगा फैमिली। ये है यहाँ पर आप ऐसे आपके बच्चे और आप लोग भी यहाँ पर फुल इंजॉय कर सकते हो। कहने का मतलब ये देख रहे हो फैमिली, ये देख रहे हो मजा, ये मजा ये इंजॉयमेंट जो है फैमिली आपको कहीं नहीं मिलने वाला, नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड में मिलेगा। मैं जगदीप सिंह चौहान आपको ये मजा देने वाला हूँ, ये फीलिंग आपको यहाँ छत पर मिलेगी। अगर फैमिली अच्छा लगा देखकर और आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी इसी तरह छत पर इंजॉय करें, तो आइए और हमारे इस फ्लैट को भी बुक कराना है आपने। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर इसी बात पे, ये वाली जंप के नाम की ऐसे वाली। तो चलिए फैमिली नीचे उतरता हूँ और फिर आपको इधर का एरिया दिखाता हूँ। तो फैमिली आपने देखा अभी मेरा ये जंप सेक्शन, तो फैमिली अब आपको दिखाऊंगा एक अलग ही चीज, एक अलग ही डिफरेंट जो कोई नहीं कर रहा है वो नीव रेजिडेंसी कर रही है। तो फैमिली आप सच में देखना चाहते हो ना, सच में देखना चाहते हो, अगर अभी तक आपको पसंद आई ना मेरी वीडियो, अभी तक अगर आपको मजा आया, आपको कसम है मेरी कसम है आपको, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जहां पर भी वीडियो देख रहे हो चाहे फेसबुक में इंस्टाग्राम पे, शेयर करना मत भूलना प्लीज, रिक्वेस्ट है। बहुत मेहनत लगती है, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 4:30-5 बजे के उठकर हम फ्लैट पे आके वीडियो बना रहे ताकि आपको ये फीलिंग मिल सके, एहसास हो सके कि सच में आप जो फ्लैट लेने वाले हो उसका आपको क्या मजा मिलने वाला है। सो फैमिली फिलहाल हम चलते हैं अपने एक नए सेक्शन के अंदर, तो आइए चलते हैं। सो फैमिली आ जाओ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है। तो देखो थोड़ा सा फैमिली पीछे हो जाओ, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ फैमिली, थोड़ा पीछे हो जाओ और पीछे चले जाओ, जितना जा सकते हो उतना पीछे चले जाओ कि कितना फैमिली आपको यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। देखिए क्या शानदार व्यू आपके लिए यहाँ पर तैयार करा गया है, आप ये देख रहे हो, ये है आपका एक पार्टी हॉल तैयार करा है हमने, एक गेमिंग हॉल जिसे कहते हैं ना वो तैयार करा है, बच्चों के लिए फुल इंजॉयमेंट है। यहाँ पर आपको 3 से 4 फैसिलिटी फैमिली यहाँ पर मिल रही है। मेरा कहने का फैमिली ये मतलब है कि पार्टी शार्टी करने का मन कर जाए, बर्थडे पार्टी करनी है, छोटी मोटी इनोग्रेशन कुछ करनी है, और अपने साथ अपने 15-20-25 लोगों को अगर इकट्ठा करना है तो आपके लिए एक सिटिंग एरिया तैयार करा गया है फैमिली, बहुत शानदार। देखिए कैसे यहाँ पे एक सेंटर टेबल आपको दिया आपकी छत के ऊपर, यहाँ पर आपको सोफा लगा के दिया, यहाँ आपको पप्पीज मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आपको जो है वो सोफा मिल जाता है। अगर बात करेंगे इस एरिया की भी तो यहाँ पर भी आपको जो है वो सोफा लगा के दिया गया है यहाँ पर, और सबसे अच्छी खास बात फैमिली कि यहाँ पर एक एसी भी आपको लगा कर दिया गया है। यहाँ पर आपको छत के ऊपर एसी कौन लगाता है फैमिली? हम लगाते हैं, नीव रेजिडेंसी लगाती है, जगदीप सिंह चौहान लगाता है। तो फैमिली देखा आपने ये एरिया, यहाँ पर आप बर्थडे वगैरह, केक कटिंग वगैरह, दो सेंटर टेबल है, मतलब आप आराम से अगर 2 फैमिली 3 फैमिली 4 फैमिली भी आना चाहे तो आराम से बैठ सकते हैं, इतना स्पेस मिल जाता है। और बात करेंगे ये ऊपर के हाइट की, आप देख रहे हो तो ऊपर पूरा एक ग्लास लगाकर आपके लिए पूरा एक सेशन तैयार करा गया, देखो किस तरीके से पीछे तक। यहाँ पर ये इसलिए तैयार करा गया है कि बाहर जो है वो गार्डन की फीलिंग ले सकते हो। अभी जैसे फिलहाल जो है वो बारिशों का मौसम चल रहा है, बारिशों का समय चल रहा है, तो कल को अगर बारिश आ जाती है तो आपकी जो इंजॉयमेंट है, आपकी जो मोमेंट है वो खराब ना हो, आपको उससे नुकसान ना हो, वो फीलिंग खराब ना हो आपकी, जो कल को गेस्ट आ गए हैं सब लोग आ गए और बारिश आ गई है और उस टाइम क्या करेंगे, तो ऐसे ये नहीं होगा कि आपको भाग के नीचे जाना है। आप यहाँ से अंदर एंट्री करो, एसी ऑन करो, सोफे लगे हुए हैं, पूरा ऊपर कवर कर रखा है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, और अपने पार्टी को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपको फैमिली फायदा मिल जाता है। अब बात करेंगे फैमिली, वो तो मैंने आपको सेक्शन दिखाया आपका पार्टीज वगैरह के लिए, अब आपको ये सेक्शन दिखाता हूँ, ये सारा सेक्शन जितना है गेमिंग का मिल जाता है, गेमिंग का और हेल्थ को लेकर आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर सोची गई है, डिज़ाइन करी गई है। एक आपको फैमिली यहाँ पर स्नूकर जो है वो पूल मिल जाता है आपको, यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ खुद भी इंजॉय कर सकते हो, यहाँ मजे आएंगे। ये आपके लिए यहाँ पर एक छोटी सी बॉल है और यहाँ पर आप इसके साथ खेल सकते हो, मजे कर सकते हो। मेरी तो अपनी छड़ी है, यहाँ पर भी दो छड़ी मिली है यहाँ पर स्नूकर पूल के अंदर, पर फैमिली मेरी फेवरेट मेरी छड़ी है, मैं जो भी खेलूँगा इसी से खेलूँगा। एक बहुत ही बेहतरीन शॉट आपको मैं मार के दिखाऊँगा, क्या मज़ा आता है यहाँ से, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। यहाँ से आपने अपनी छड़ी को लेना है, अपनी स्टिक को लेना है, यहाँ से इसको निशाना बांधना है और बोलना है कि बोल शंकर भगवान की जय। तो फैमिली ये वाली जो फीलिंग है आपको यहाँ पर मिलने वाली है, यहाँ पर आप इंजॉय करोगे अपने बच्चों के साथ, लाइटिंग मिल गई है, नाइट में खेलना चाहोगे तो लाइट्स लगी हुई है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सो फैमिली अभी आपने देखा स्नूकर पूल, अब आपको दिखाते हो एक नई गेम है जो बहुत ट्रेंड में चल रही है, आउट ऑफ कंट्री के अंदर तो बहुत ट्रेंड में चलती है गेम, बहुत लोग खेलते हैं, 2 लोगों की 4 लोगों की ये गेम है जिसको हैंड फुटबॉल के नाम से भी जाना जाता है। एक फुटबॉल होती है प्यारी वाली, ये फुटबॉल है, छोटी सी मिनी सी फुटबॉल है जिसको यहाँ पर रखना होता है, और यहाँ का जो प्लेयर है
वो प्लेयर यहाँ से निशाना लगाता है और इसको यहाँ पे ये हिल रही है, भाग रही है, जल्दी से मार देता हूँ और ये पार अंदर चली जाती है यहाँ से। तो फैमिली आप देख रहे हो यहाँ पे इनका काम क्या होता है, इनको रोकना, खेलना, इसको जल्दी जल्दी इसको बचाना, मारना, ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी इसको खेलना होता है। तो ये फीलिंग आप जो है फैमिली यहाँ से ले सकते हो। देखो गया पार, देखो ये दूसरी भी पार गई, तो ये शॉट्स आप यहाँ पे खेल सकते हो, ये मज़ा आपको यहाँ पे फैमिली मिलने वाला है। तो फैमिली अभी आपको दिखाई मैंने ये हैंड फुटबॉल, अब आपको फैमिली यहाँ पर मिल जाता है एक जिम एरिया। ये एक जिम एरिया आपके लिए तैयार करा गया है आप ही की छत के ऊपर, यहाँ पर आप अपना जिम वगैरह जो एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। बहुत हैवी जिम नहीं तैयार करी है, पर यह है कि आप फिट रह सकते हो, इतना स्पेस आपके लिए तैयार करा गया है। डंबल्स आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं, आप डंबल्स जो है वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, फीलिंग ले सकते हो और डोले शोले भी बना सकते हो। लाइट वेट है यहाँ पर आपको जो है वो मज़ा आने वाला है। ये फायदा आपको आपकी छत पे मिल जाता है, यहाँ पर आप अपना जो है वो वेट भी लूज कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो अपनी छड़ी के साथ। मैं तो अपनी छड़ी के साथ इंजॉय कर रहा हूँ। ये फीलिंग फैमिली आपको यहाँ पर मिल जाती है आपकी छत के ऊपर। तो फैमिली देखा कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर छत को देखने में, अच्छा लग रहा था जब आप यहाँ रहोगे कैसा लगेगा। अब फैमिली यहाँ पर आपके लिए एक रेस्ट रूम भी तैयार करेगा, कहने का मतलब फ्रेश रूम, बाथरूम एक छोटा सा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक छोटा वॉश बेसिन भी मिल जाता है, ऊपर लाइट दी गई है आपके लिए। और एक इस एरिया की अगर मैं बात करूँ फैमिली, पूरा तो आपको ये सेक्शन मिल जाता है। बालकोनी बहुत बड़ी है, मगर एक अलग से एक बालकोनी मिली है, एक स्पेस आपको ये वाला मिला है। यहाँ पर डोर ऐसे वैसे लगा हुआ है, ये यहाँ से अपना आप ओपन करो और यहाँ पे आपको जो देख रहे हो फैमिली, ये स्मोकिंग एरिया अगर आप इसे कह सकते हो, मतलब एक अलग से जैसे कोई यहाँ पर पार्टी शार्टी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई स्मोकिंग वगैरह कर रहा है या कुछ कर रहा है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि स्मोकिंग करनी नहीं चाहिए, बट अगर आप में से किसी को ये चीज़ की आदत है, आप करते हो, आपकी ये हॉबी है, तो आपके लिए एक अलग एक गैलरी तैयार करी गई है ताकि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिक्कत ना हो, अंदर धुआं वगैरह जो वो ना फैले। तो यहाँ पर फैमिली आप देख रहे हो कितनी बड़ी स्पेस आपको यहाँ पर कितना बड़ा मिल जाता है स्पेस, ये देखो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। तो फैमिली आपने देखा क्या बढ़िया एक छत आपके लिए तैयार करी है। देखो मैंने इतनी देर में फैमिली सिर्फ एक फ्लैट की वीडियो बनती है, मगर आपके लिए जो है पूरी एक सिर्फ रूफ के लिए मैंने कम से कम 12 से 15 20 मिनट की आपकी वीडियो बनाई है छत दिखाने के लिए। फैमिली वीडियो को ज़रूर शेयर करना और हाँ वीडियो को पूरा देखना, छत दिखाने में समय लगता है ताकि आपको पता होना चाहिए एक एक चीज़ के बारे में। तो फैमिली आ जाओ दोबारा से एक बार अपनी छत को दोबारा से व्यू कर लेते हैं, क्या क्या मिला आपको। आपने देखा आपको जंपिंग के लिए बच्चों के लिए ऑप्शन मिल गया, स्नूकर पूल मिल गया, हैंड फुटबॉल मिल गई, सोफ़ा मिल गया, पार्टी फंक्शन के लिए बाथरूम आपको मिल गया वहाँ पर आपके लिए रेस्ट के लिए, और स्मोकिंग एरिया पीछे मिल जाता है। बारिश आ रही है, बारिश ना आए तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। सो फैमिली आपने देखा क्या क्या ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, बाहर आपको तैयार करके दे दिया। अब फैमिली एक बार दोबारा से रूफ का आपको पूरा व्यू करा देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा लाइटिंग और हो गई है, थोड़ी और रोशनी हो गई है और मॉर्निंग हो गई है, करीबन समय हो गया है। अब इस टाइम 6 बज गए हैं पूरे। आपने देखा कैसे डाइनिंग वगैरह सब चीज़ें, लाइटिंग वगैरह पूरी प्रॉपर फैमिली आपको यहाँ पर मिल रही है। एक बहुत बड़ी छत है, बिग साइज़ की छत है, 3 BHK 2 BHK का ऑप्शन है। एक झूला फैमिली यहाँ पर आपको और मिल जाता है इसी छत के ऊपर। आपने देखा यहाँ पर एक झूला यहाँ पर भी मिल जाता है, और एक झूला जो आपने देखा एक झूला आपको वहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना एंजॉय कर सकते हो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। और रही बात आपके टैंक्स की, तो आप देखिए यहाँ पर 1100 लीटर, 1000 का नहीं, 1100 लीटर के आपके यहाँ पे टैंक लगा के दिए गए हैं। पानी के जो टैंक्स हैं वो आपको यहाँ पे लगा कर दिए गए हैं, चारों तरफ हैं, उस साइड भी मिल जाएंगे, उस साइड भी मिल जाएंगे। सबके अपने अपने फैमिली यहाँ पर वाटर टैंक है, पीने का पानी आप अपना इसमें भर सकते हो, और बहुत बढ़िया है। सबके अपने अपने पॉइंट दिए हुए हैं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार करा गया है। बस आपको हमेशा जो है टंकी जब भर जाती है बंद जरूर करनी है, पानी बहुत बर्बाद होता है। और जो लोग ये वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो नहीं भी घर ले रहे हैं तो भी अपने घर में भी इस चीज़ को यूज़ करें कि कभी भी अगर पानी भर जाता है टंकी में तो ध्यान रखा करें कि पानी व्यर्थ ना जाए, ये ज़रूरी है फैमिली, बहुत पानी वेस्ट होता है। तो चलिए फैमिली अब मैंने आपको दिखाई अपने छत, अब आपको दिखाऊँगा पार्किंग, फिर चलेंगे हम अपने बिल्डिंग के अंदर। गली भी आपको दिखाऊँगा, गली का व्यू भी कराऊँगा आपको, फ्रंट व्यू भी आपको दिखाऊँगा, मगर अभी आपको सबसे पहले छत दिखाई थी, अब आपको दिखा रहा हूँ मैं क्या पार्किंग। पार्किंग बहुत ज़बरदस्त है फैमिली, बहुत बेहतरीन पार्किंग है, बहुत ही बढ़िया, कोई आलतू फालतू फ्लैट नहीं बनाया हुआ, कुछ नहीं बनाया हुआ। और फैमिली पार्किंग दिखाने के बाद आपको दिखाऊंगा फ्लैट, तो चलिए आइए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी अब पार्किंग के अंदर। तो आइए चलते हैं। तो फैमिली देखिए ये आपकी पार्किंग है, हम पार्किंग के अंदर आ गए हैं। हमारे 3 BHK फ्लैट की, 2 BHK फ्लैट की ये पार्किंग है,
बहुत बड़ी, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत पार्किंग आपके लिए तैयार करी गई है। देखिए ये आपको पार्किंग मिल रही है, खुला स्पेस है, कोई बच्चा फ्लैट नहीं बनाया हुआ, कोई फालतू आलतू फ्लैट नहीं बनाया हुआ, पूरी पार्किंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर बात करेंगे ऊपर डिजाइन की तो बहुत बेहतरीन डिजाइन प्रोफाइल लाइट्स लगाकर आपके लिए तैयार करे गए हैं, पूरी तरह आप चारों तरफ देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सर, उत्तम नगर के अंदर फैमिली गारंटी दे रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ, ऐसी पार्किंग आप सर्च करके मुझे दिखा सकते हो, आपको नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलने वाली है। एंट्री देखो आप एक बार, एक एंट्री यहाँ से मिल रही है, एक एंट्री आपको यहाँ से मिल रही है, एक जगह से आ सकते हो, एक जगह से जा सकते हो, इतनी बड़ी पार्किंग आपको मिल जाती है सब जगह पे। ऊपर टाइल्स पूरी मजबूती दी गई है, सीलन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। टाइल्स वगैरह आप देख रहे हो, यहाँ पर भी टाइल्स आपको लगा कर दी गई है। अगर इस वॉल्स की बात करें तो यहाँ पर भी वॉल आपको, वॉल पर टाइल आपको लगा कर दी गई है पूरी हाइट तक। और यहाँ पर भी अभी जो लाइट्स आप ऊपर देख रहे हो ना, वो सारी लाइट्स यहाँ पर भी आपको अभी लगा कर दी जाएगी। तो ये फायदा आपको फैमिली मिल रहा है, पार्किंग बहुत मजबूत है, बहुत प्यारी पार्किंग है। और फैमिली यहाँ पर लिफ्ट आपको लगा कर दी जा रही है बिल्डिंग इसी पार्किंग के अंदर ही। और स्पेस देखो पीछे तक आकर एक बार आपको दिखाता हूँ पूरा, ये अभी साफ सफाई होनी है, पर पूरी क्लीन होने के बाद जब ये पार्किंग निकल कर आएगी फैमिली, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो चलिए फैमिली, मैंने आपको अभी पार्किंग दिखाई, हमारे यहाँ पे फैमिली मेंबर्स, ये भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं और हमारे इस फ्लैट्स को मिलकर तैयार कर रहे हैं, पूरी धूम मचा रखी है इन लोगों ने, सबने दबा के मेहनत करते हैं। सो फैमिली एक बार इनके लिए भी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर लिखना, इनके लिए एक बार इनको गॉड ब्लेस यू जरूर बोल देना, एक बार इनके लिए जरूर प्रेयर करना कि बहुत मेहनत करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हम लोग तो एसी में बैठकर घर में फ्लैट की वीडियो देख रहे होते हैं या हम लोग ऑफिस में बैठकर फ्लैट को सेल करते हैं, मगर जो मेहनत होती है वो इन्हीं हमारे भाइयों की होती है। ये लोग रात दिन मेहनत करते हैं तब जाके ऐसा आलीशान फ्लैट, ऐसी आलीशान पार्किंग और ऐसा आलीशान छत जो है वो बनकर तैयार होती है। तो आपने देखा फैमिली यहाँ पर स्पेस कितना शानदार मिल रहा है आपको, लिफ्ट के बारे में मैंने फैमिली आपको बताया, यहाँ पर लिफ्ट मिल जाती है आपको बहुत ही खूबसूरत। तो फैमिली धूम मचानी है, आ जाओ फ्लैट को बुक कराओ। और हाँ चलिए अब चलते हैं हम अपने स्टे एरिया के पास और फिर हम चलेंगे अपने फ्लैट के अंदर, तो आइए चलते हैं। सो फैमिली सबसे पहले बता दूं हमारे इस स्टेयर का फायदा क्या है, इस स्टेयर में एक खासियत दी गई है, जब हम स्टेप ऐसे ऊपर रखेंगे तो सेंसर वाली लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखो ये देखो यहाँ पर सेंसर वाली लाइट्स आपको फैमिली मिल जाती है, ये एक अलग ही फीलिंग है, देख रहे हैं क्या शानदार फीलिंग मिल रही है अपने। तो फैमिली चलिए अब हम चलते हैं अपने फ्लैट के अंदर, तो आइए चलते हैं। सो फैमिली आ जाओ, अभी आपने फैमिली देखा क्या गार्डन और उसके बाद देखिए आपने जबरदस्त पार्किंग। अब आपको फैमिली दिखाऊंगा 3 BHK का हमारा ये आलीशान फ्लैट जबरदस्त वाला। तो फैमिली सबसे पहले देखो हमारे इस 3 BHK फ्लैट का पूरा व्यू, ये है हमारा ड्राइंग स्पेस बहुत बढ़िया, जिसमें आपको सोफे लगा के दिए जा रहे हैं, आपको सेंटर टेबल आपको मिल जाती है, पफी आपको मिल जाते हैं, एक बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर वॉलपेपर मिल जाता है बहुत खूबसूरत। बात करेंगे अगर फैमिली इसके फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्वीट, बढ़िया आपको फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, जिसमें 2 फैन आपको लगा के दिए जाते हैं, एक झूमर लगा के दिया जाता है। फुल्ली फर्निश्ड फैमिली हमारा ये फ्लैट है। और देखिए एक बार LCD पैनल कितना शानदार, आपको LCD पैनल भी यहाँ पर लगा के दिया गया है। अगर बात करेंगे फैमिली इस ड्राइंग रूम के अंदर तो बहुत बड़ा ये स्पेस है, क्योंकि की फैमिली 105 गज के अंदर फैमिली हमारा ये फ्लैट है, बहुत शानदार हमारा ये फ्लैट है, बहुत शानदार 105 गज में। देखिए यहाँ पर आपको मैंने आपको ऊपर छत पर आपको डाइनिंग स्पेस दिखाया था, सो फैमिली देखिए क्या खूबसूरत आपके लिए डाइनिंग स्पेस यहाँ पे तैयार करा गया, देखिए जिसमें आपको टेबल मिल जाती है, 4 टेबल आपको मिल रही है, यहाँ बैठ के खाना खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे एक लाइट लगा कर दी है जिसको आप कैंडल लाइट डीलर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो फैमिली आपने देखा इस तरीके से कि सेपरेट स्पेस आपके लिए यहाँ पे अलग से तैयार करा गया, उधर आपका ड्राइंग एरिया हो गया आपका जिसमें सोफे वगैरह आप लगा के अपना सिटिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हो। तो फैमिली इसी हॉल के पास ही एक सेपरेटली आपके लिए किचन भी रेडी करी गई है, देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पर किचन फैमिली आपके लिए रेडी करी गई है। सो फैमिली ये मॉड्यूलर किचन है, बहुत खूबसूरत पूरी मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पर मिल जाती है, एक फैंसी लाइट आपको लगा कर दी गई है, बहुत अच्छी यहाँ पर आपके लिए देखिए सिंक यहाँ पर लगाई हुई है, टैप्स हैं आपके पास, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ठंडे गर्म पानी के भी, RO का पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। फैमिली किचन मतलब बहुत खूबसूरत आपके लिए रेडी करी गई है, चिमनी आपको यहाँ पर लगा के दे देते हैं, चिमनी बहुत खूबसूरत है आपके लिए यहाँ पर, मतलब अगर आप ड्राइंग स्पेस की बात करें बहुत खूबसूरत आपके लिए रेडी करा गया है। बात करेंगे फैमिली बाथरूम की, कॉमन बाथरूम की, तो एक बार बाथरूम को देखिए, एक बार बाथरूम बहुत ही बढ़िया आपके लिए तैयार करा गया है। फैमिली यहाँ पर वॉश बेसिन दिए हुए, यहाँ पे नीचे पेंट्री आपके लिए तैयार करी गई है, यहाँ पर आपके लिए ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर तैयार करा गया, यहाँ पे हाथ नीचे लेकर आएंगे तो आपको हैंड जो है आपके सूख जाएंगे। और फैमिली यहाँ पर आपके लिए हेयर ड्रायर भी जो है वो रेडी करा गया है,
आप आराम से यहाँ पे जो है हवा मुंह में घुस गई थी, आप यहाँ पर जो है आराम से यहाँ पे अपने बाल वगैरह जो है वो सेट कर सकते हो। और एक आपके लिए सेपरेट यहाँ पर फैमिली बाथरूम रेडी करा गया है टॉयलेट सीट लगाकर। देखिए क्या खूबसूरत बाथरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपका कॉमन बाथरूम। ऊपर आपको रेनिंग शावर आपके लिए मिल जाता है, पूरी हाइट पे सीलिंग पे आपके लिए रेनिंग शावर लगा हुआ है जो आप देख रहे हो। और नीचे अगर आप बात करते हो टैप्स आपको यहाँ पर लगा कर दी गई है, खूबसूरत टैप्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे टॉयलेट सीट की तो एक टॉयलेट सीट आपको फैमिली यहाँ पर लगा कर दी गई है। सो आइए फैमिली, अभी आपको मैंने दिखाया बाथरूम, अब आपको मैं दिखाता हूँ। जब हमने यहाँ से एंट्री करी थी तो यहाँ से एंट्री करते ही मैंने आपको ड्राइंग स्पेस दिखाया था, तो फर्स्ट रूम हमें एक यहाँ पर मिल जाता है, इसके बाद दोनों रूम हमारे फ्रंट में मिल जाते हैं। तो पहले फर्स्ट रूम हम देख लेते हैं, आप आइए। ये हमारा फर्स्ट रूम है, बहुत बढ़िया स्पेस है, खुला स्पेस है, शानदार डबल बेड आप इजीली लगा सकते हो यहाँ पर, आराम से आ जाएगा। एक वॉलपेपर आपको यहाँ पर लगा के दिया जाता है, बहुत खूबसूरत वॉलपेपर यहाँ मिल जाता है। ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन खूबसूरत, यहाँ पर एक फ़ैन आपको लगा कर देते हैं। और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए फैमिली अगर बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी आपको शाफट मिल जाती है, बहुत बड़ी शाफट आपको इस रूम से मिल जाती है, आपको वेंटिलेशन पूरा मिल जाता है। स्प्लिट एसी की वायरिंग यहाँ लगा दी गई है आपके लिए, इस रूम के अंदर ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। और एक यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट के लिए पढ़ने के लिए, आपके लिए यहाँ पर बच्चा यहाँ पढ़ सकता है, उनके लिए यहाँ पर आपके लिए एक सेटिंग तैयार करेगी, चेयर लगाकर आराम से बच्चा स्टडी कर सकता है यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह रखकर। तो यहाँ पर इस रूम को इस तरीके से हमने तैयार करा है। तो फैमिली अभी आपको मैंने दिखाया आपका ड्राइंग रूम, वन रूम, बाथरूम, किचन आपको दिखाया, अब आपको दिखाता हूँ आपका सेकंड रूम। तो पहले फर्स्ट रूम को देखते हैं, इधर वाले फ्रंट में जो हमारे दो रूम है उसका एक ये वाला रूम आप देखो कि क्या शानदार आपके लिए डबल बेड लगाकर आपको यहाँ पर हमने फ्लैट तैयार करके दिया है। फैमिली यहाँ पर देखिए किस तरीके से बेड आपको यहाँ पर लगा के दिया हुआ है, पूरी वर्किंग करी गई है। यहाँ पे एक अलग ही डिज़ाइन आपके लिए यहाँ पे तैयार करा गया है, इस पर कुछ डिफरेंट करा है, आप आएंगे तो देखेंगे अच्छा लगेगा। दो अलमीरा के पॉइंट मिल जाते हैं, एक आपके यहाँ पर और एक वहाँ के सामने वहाँ मिल जाते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन और एक फ़ैन आपको यहाँ पर लगा के दिया जाता है फैमिली। और साथ ही साथ एक LCD का पैनल यहाँ पर आपके लिए लगा के दिया गया है आपको। और वेंटिलेशन के लिए फैमिली यहाँ पर आपको जो है वो विंडो मिल जाती है, काफ़ी अच्छी विंडो आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए यहाँ से विंडो से वेंटिलेशन पूरा मिलता है क्योंकि दोनों रूम फ्रंट में हैं। तो आप बात करते हैं इसी रूम के अंदर बाथरूम की, तो फैमिली ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो मास्टर बेडरूम के अंदर आपको सेम बढ़िया फिनिशिंग के साथ ऊपर भी पूरा एक हमने PVC का एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, बहुत शानदार। तो देखिए PVC का बहुत अच्छा शानदार डिज़ाइन दिया आपको यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे अगर बात करेंगे फ्लोरिंग की तो फ्लोरिंग भी बहुत शानदार मिल रही है, टॉयलेट सीट मिल जाती है यहाँ पर आपको, वॉश बेसिन यहाँ पे आपको लगा के दिया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत फैमिली बाथरूम जिसे कहते हैं वो आपको यहाँ पे हमने तैयार करके दिया है। अब बात करेंगे फैमिली हमारे थर्ड रूम की, बहुत ही खूबसूरत है ये भी, आइए आपको इसके दर्शन कराता हूँ एक बार। तो फैमिली ये हमारा थर्ड रूम, देखिए क्या खूबसूरत रूम है, यहाँ पर भी आपको एक बेड लगा कर दिया है क्योंकि फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट है। यहाँ पर मिरर मिल जाता है आपके लिए, यहाँ तैयार श्यार हो सकते हैं ईजिली आप यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। और एक अलमीरा आपको मिल जाती है यहाँ पर, बड़ी अलमीरा मिल जाती है काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर। और अगर देखते हैं इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फैमिली, देखो क्या खूबसूरत साइज़ आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है, एक ऐसे उसी तरफ भी है और ऊपर भी आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। सो फैमिली अगर बात करेंगे वेंटिलेशन की तो वेंटिलेशन बहुत ही प्यारा यहाँ से भी इस रूम से मिल जाता है। देखिए विंडो का ऑप्शन तो आपको मिल ही रहा है, यहाँ पर एक विंडो आपको मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ से बालकोनी भी आपको मिल रही है। और बालकोनी काफ़ी खूबसूरत आपकी जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है, देखिए क्या खूबसूरत बालकोनी है, चेयर आपको लगा कर दी गई है यहाँ पर, आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। और अपना यह टैब मिल गई है, मशीन लगा के कपड़े वगैरह धोना चाहें धो सकते हैं आराम से। ये एक आपके लिए छोटा सा गार्डन यहाँ भी फैमिली आपको तैयार करके दिया गया है, दो चेयर लगाकर और एक टेबल लगाकर। आपने देखा फैमिली क्या खूबसूरत आपके लिए यहाँ पर बालकोनी तैयार करी गई है, टाइल्स वगैरह लगा कर दिए। अगर इसके आउटर लुक के ऊपर की बात करें तो देखिए क्या खूबसूरत आपको यहाँ पर फिनिशिंग मिल जाती है फैमिली, देखिए क्या खूबसूरत फिनिशिंग है, बहुत ही खूबसूरत ये फिनिशिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। फैमिली अभी आपको मैंने ये 3BHK फ्लैट का अपने सारे जो है वो आपको अच्छे से दिखाया, वन रूम भी दिखाया, सेकंड रूम, थर्ड रूम, किचन, बाथरूम सब कुछ दिखाया। सो फैमिली ये हमारा 3BHK का फ्लैट है जो कि 105 गज के अंदर है, फुल्ली फर्निश्ड है। जो मैंने आपको ये फ्लैट दिखाया जिसमें आपको गार्डन बहुत बेहतरीन तैयार करके दिया, पार्किंग बहुत ज़बरदस्त तैयार करके दी है, और फ्लैट की फिनिशिंग तो फैमिली आपने देख ही ली है कि कितनी खूबसूरत फिनिशिंग आपको हमने करके दी है। 105 गज के अंदर ये फ्लैट है। अब बात करेंगे इसके प्राइस की, तो फैमिली इसका जो प्राइस है मात्र 55 लाख रुपये रखा गया है, फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट 3BHK का 105 गज के अंदर है। बाकी जब आप आएंगे, आप हमें कॉल करेंगे, ऑफिस आएंगे, तो जब आपको अगर फ्लैट पसंद आ जाता है, आप बुक करवाते हैं तो आपका मान सम्मान भी करा जाएगा और इसमें बार्गेनिंग भी करी जाएगी, आपको कुछ प्राइस भी करा जाएगा। मगर अभी आपको जो मैंने फ्लैट दिखाया ये एज इट इज़ आपको ऐसे ही मिलेगा।
पूरा फुल्ली फर्निश तैयार करके गाड़ी पार्किंग के साथ, लिफ्ट के साथ, और ऊपर गार्डन का आपका रूफ राइट होगा। आप कोई सा भी फ्लोर खरीदते हैं, चाहे अपर फ्लोर खरीदें, चाहे फर्स्ट फ्लोर खरीदें, चाहे कोई सा भी फ्लोर हमसे परचेज करें, आपको यहाँ पर रूफ राइट आपको मिलने वाला है। छत पे आपका राइट होगा, छत पर आप जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, सारे इंजॉयमेंट कर सकते हो। और ऐसा फ्लैट हाथ से मत जाने देना फैमिली, मैं आपको फिर कहूँगा। डाइनिंग टेबल स्पेस इतना बढ़िया मिल रहा है आपको यहाँ पर, और सब कुछ एक अलग तरीके से डिफरेंट वे में है। किचन आपको सेपरेट मिल गई है, ड्राइंग रूम से बहुत अलग हो गई। आप किचन में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता। आपके लिए बिल्कुल सेपरेट आपको ड्राइंग रूम आपको मिल जाता है, और आपका स्पेस अलग से सेपरेट आपको डाइनिंग स्पेस भी मिल जाता है। तो फैमिली आइए, फ्लैट को बुक कराइए। और हाँ, अगर आपको मेरी ये फ्लैट की जो पूरी वीडियो पसंद आई, जो मैंने आपके लिए मेहनत करी, सुबह 4 बजे हम लोग उठ गए थे, 4:30 5 बजे तक हम लोग अपने फ्लैट के अंदर आ गए थे नहा धोकर, और आपके लिए फ्लैट की वीडियो बनाई ताकि दिन का नज़ारा दिखा रखे। माफ़ी चाहूँगा, आपको सनराइज़ नहीं दिखा पाए क्योंकि बादलों ने हमारे सूरज देवता जो है उनको घेर लिया था, और वो नहीं मैं आपको दिखा पाया। मगर पूरी ताकत लगाई कि आपको फ्लैट पसंद आए, आपको छत पसंद आए, और आपको फ्लैट भी पसंद आए, आपको पार्किंग भी पसंद आए। तो फैमिली प्लीज़, आपको अगर मेरी वीडियो बनानी अच्छी लगी, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ आपको मेरी कसम है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताओ वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी। तो फैमिली चलिए, आपको प्यार भरा नींव नमस्कार। हेलो दोस्तों।